एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा आउटफिट फॉर द अपकमिंग सीजन, फॉर द फेस्टिव सीजन। टुडेज वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद माय हॉल स्टोर, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं दे ऑल आर फ्रॉम अमेजोन। अमेजोन में स्टार्ट हो चुकी है किक स्टार्टर डील्स फ्रॉम 9th of September, और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी चालू होने वाला है जहाँ पे आपको मिलेगा फैशन एंड ब्यूटी में 50-80% ऑफ। 1000+ टॉप ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे एंड यू विल गेट डील्स ऑन 2 lakh+ स्टाइल्स। Also, most of the products have 4+ star ratings, also 50+ reviews. So, do not forget to check out Amazon. All the links will be provided in the description box. Yes, जैसे कि आप लोग बताए बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, नवरात्रि, दिवाली, भाई दूज, बहुत सारी शादियां वगैरह भी होने वाली हैं, तो मैंने एक आउटफिट क्रिएट किया है। एंड यू नो आजकल कलर कॉम्बिनेशन का ट्रेंड चल रहा है, लाइक यू आर ट्राइंग 2 different कलर्स, एंड ऐसे वीडियोज काफी ज्यादा फन होते हैं और मुझे पर्सनली देखना भी काफी ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा वाई नॉट आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस। सो जो कलर कॉम्बिनेशन आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ब्लू एंड पिंक। आई नो बहुत ही यूजुअल सा, बहुत ही बेसिक कलर कॉम्बिनेशन है, बट जो शेड्स लिए हैं मैंने ब्लू एंड पिंक के वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं एंड फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट हैं, बहुत ही सटल एंड क्लासी कलर्स मैंने लिए हैं। सो ओवरऑल आउटफिट क्रिएट किया है मैंने, उसमें होगा ऑफकोर्स आउटफिट, देन एक्सेसरीज होंगी लाइक इयररिंग, बैंगल, बैग और फुटवेयर। सो ओवरऑल जो आउटफिट आया है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, आई रियली होप आप लोगों को भी पसंद आए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस देन प्लीज कीप ऑन रोलिंग, एंड वीडियो जरा सा ही पसंद आए डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट, कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस यू नो मेरे चैनल में आपको काफी देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को मेरे वीडियोस काफी पसंद आएंगे, तो अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द वीडियोस। सो लेट्स बिगिन विद द आउटफिट। सो दिस इज माय आउटफिट फ्रॉम अमेज़न, ये है एक शरारा सेट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखा देती हूँ। सो दिस इज द टॉप, काफी ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू कलर है और इसका फैब्रिक है रेयॉन, काफी सॉफ्ट फैब्रिक है, और ओवरऑल इसमें यू कैन सी जो फॉइल प्रिंट होता है ना, गोल्डन फॉइल, उसका यू नो इस तरीके से क्रिस क्रॉस किया हुआ है, काफी ज्यादा सिंपल एंड एलिगेंट इसको बनाता है। एंड ये थोड़ा सा पेपलम स्टाइल में है, मतलब वेस्ट के आगे आपको इस तरीके से यहाँ पे इतना फ्लेयर मिल जाता है। इसकी लेंथ जो है नी से ऊपर है बिकॉज ऑब्वियसली इसके नीचे शरारा है। सो यस, दिस इज द कुर्ता, ओवरऑल प्लेन है ये, और दिस इज अ स्लीवलेस कुर्ता, इसके अंदर आपको अलग से स्लीव्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको स्लीवलेस पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सा कुर्ता है। दिस फ्रॉम द ब्रांड रॉयल एक्सपोर्ट, और मैंने इसमें मेरा साइज लिया है लार्ज। सो यस, दिस इज द कुर्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता है, और इसके नीचे आता है शरारा पैंट। द ओवरऑल प्रिंट जो है बिल्कुल सेम है जैसा कुर्ता में है, वैसे ही शरारा पैंट में भी है। तो ऊपर से यहाँ तक आपको प्लेन मिलेगा और थाइस के अराउंड यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग दिया हुआ है, एंड कुर्ते के ही जैसे ऐसा फ्लेयर दिया हुआ है, काफी ज्यादा फ्लेयर शरारा है, नीचे से इतना ज्यादा फ्लेयर है, तो आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इसको पहनने के बाद। फैब्रिक रेयॉन है तो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल और लाइट होता है ऑन द बॉडी। फेस्टिव सीजन में यू नो इसी तरह के फैब्रिक जो है ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज पहनने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। सो यस, आई रियली प्रिफर रेयॉन एज अ फैब्रिक, और ऊपर से ये पूरा इलास्टिकेटेड है, मतलब आगे पीछे दोनों इलास्टिकेटेड है। इसमें पॉकेट्स वगैरह नहीं दिए बिकॉज ऑफ इट्स अ शरारा पैंट, दिस इज द शरारा। एंड दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, नेट का दुपट्टा है और नेट के कोने में फुल आपको इस तरीके का गोटा पट्टी का बॉर्डर मिल जाएगा। दिस द बॉर्डर, चारों तरफ से इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है, हालांकि जो इसकी पिक्चर है उसमें वो नेट का नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगा कि शायद जॉर्जेट का दुपट्टा हो या शिफॉन का दुपट्टा हो, बट ये फुल मुझे यू नो नेट का दुपट्टा मिला है। और इसकी विड्थ जो है बिल्कुल भी मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं है, इतनी ही इसकी विड्थ है, इफ यू कैन सी, क्योंकि आजकल के जो सूट सेट्स होते हैं ना उनमें वन साइड दुपट्टा रखने का स्टाइल होता है। लेंथ इज डिसेंट, थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा ये नेट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब जिस तरीके का पिक्चर में दिखाया था एकदम फ्लोई सा लंबा सा दुपट्टा, उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं है, बट पहनने के बाद ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर यही दुपट्टा जॉर्जेट या शिफॉन का होता तो मैं ज्यादा खुश होती, बट ये पहनने के बाद काफी ज्यादा फेस्टिव लुक दे रहा है, तो आई एम हैप्पी। एक ऐसा सेट है जिसको आप कभी नो विदाउट दुपट्टा वेयर करना चाहे तो भी आप आराम से पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लासी, सिंपल एंड ब्यूटीफुल लगता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेसरीज नाउ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इयररिंग जो मैंने इसके साथ ली है। तो दिस इज द बॉक्स, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स, सी दीज आर द इयररिंग्स। सो जैसे मैंने पहले बताया आई एम ट्राइंग ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन, सो ब्लू कलर का मैंने आउटफिट लिया है और इसके साथ जितनी भी एक्सेसरीज मैंने ली है वो मैंने पिंक कलर की ली है, एंड यू कैन सी द शेड ऑफ द पिंक, बहुत ही प्यारा सा यू नो पेस्टल पिंक कलर मैंने यूज किया है। सो ऊपर की तरफ देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल यू नो पिंक कलर का क्रिस्टल टाइप कुछ दिया हुआ है, काफी अच्छा बड़ा सा ये डोम दिया हुआ है गोल्डन कलर का, और नीचे पिंक एंड व्हाइट गोल्डन कलर के यू नो पर्ल्स लगे हुए हैं।
सो ये इयरिंग मुझे देखते ही काफी ज्यादा पसंद आया है एंड काफी टाइम बाद मैंने इतने ब्यूटीफुल इयरिंग्स अमेज़न में देखे हैं, तो मुझे तो ये लेना ही था और इस आउटफिट के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है एंड काफी अफोर्डेबल भी है. तो यस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. अभी जब मैं सारा ट्राई ऑन आपको करके दिखाऊंगी ना, देन यू कैन सी द ओवरऑल आउटफिट की कैसा लग रहा है. दिस इज माई फर्स्ट ज्वेलरी थिंग. सेकंड ज्वेलरी जो मैंने ली है वो है बैंगल्स. दिस इज द पैकेजिंग. दीज आर फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग डीवा और मैंने लिए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से पिंक कलर के बैंगल्स. इसमें मेरा साइज है 2.6. यस, 2.6 मुझे लगता है बिकॉज मेरे हाथ जो है काफी ज्यादा चौड़े हैं. दीज आर द ब्यूटीफुल बैंगल्स. सो इन बैंगल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो पहनते टाइम काफी इजी हो जाएगा. और ऊपर जो पर्ल्स लगी हुई है ना पिंक एंड गोल्डन कलर की, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है. इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे. आई थिंक पीच है इसमें, व्हाइट भी है, फुल गोल्डन भी है, तो जिस टाइप का कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं. मुझे ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन करना था, आई पिक्ड अप पिंक. पहनने के बाद ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. सी इनफैक्ट मैंने अभी भी ब्लू पहना है और ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. सो बहुत ऐसे कम बैंगल्स होते हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं और ये उनमें से एक है जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे. इनफैक्ट मैं सोच रही थी अगर ये मुझे अच्छे लगेंगे ना, इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, सो आई विल पिक अप अदर कलर्स आल्सो. यस, सो मैं डेफिनेटली इसमें जो फुल गोल्डन था वो कलर भी लेने वाली हूँ, वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था. सो द थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव गॉट इज अ बैग. ऑब्वियसली एक आउटफिट के साथ यू नो बैग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें अपने यू नो मोबाइल कीज वगैरह रख सकते हैं. दिस इज द पैकेजिंग, इस तरीके से आया था. सो दिस इज द ब्यूटीफुल पोटली बैग. यू नो आजकल कोई भी ट्रेडिशनल या एथनिक आउटफिट पहनते हैं उसके साथ पोटली बैग्स लेने का काफी ज्यादा ट्रेंड है. इस टाइप की पोटली मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दिस टाइम. तो इस टाइप की पोटलीज जो है आपकी सूट साड़ी लहंगा वगैरह के साथ काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड अमेजोन में आपको वेरियस वेराइटी एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस आपको मिल जाएगी. सिंस आई वॉज डूइंग यू नो ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन, तो आई पिक्ड अप दिस बहुत ही क्यूट सा बेबी पिंक कलर का पोटली. इसमें आप अपना मोबाइल, यू नो दो तीन लिपस्टिक या जो भी आपको मेकअप के लिए अगर आप करते हैं, तो टचअप के लिए जो भी आपको चाहिए, छोटी सी परफ्यूम की बॉटल एंड की होम कीज या कार कीज वगैरह आप आराम से रख सकते हैं. एंड द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस बैग इज दैट इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडल. जिसका हैंडल है फुल पर्ल से बना हुआ है, गोल्डन एंड व्हाइट पर्ल्स की डिटेलिंग है, बहुत ही ज्यादा कूल है. बैक के एंड में भी इस तरह गोल्डन यू नो पर्ल्स की लाइनिंग दी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. और यहाँ पे इस तरीके से आपको थ्रेड मिल जाएगा, जिससे आप इसको इस तरीके से बांध सकते हैं. अभी तो ये बैग खाली है ना, तो इसके लिए आपको एकदम फ्लैट लग रहा है. जब मैं इसमें सामान भर दूंगी तो काफी अच्छा इसका यू नो एकदम राउंड शेप आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. एंड दिस पोटली बैग इज फ्रॉम द ब्रांड शुभ शगुन. साइज में मेंशन है 8 इंच बाय 9 इंच, विच इज आई थिंक डिसेंट साइज. इससे ज्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा और इससे छोटा भी यू नो थोड़ा स्पेस चाहिए होता है अपना सामान वामान रखने के लिए. सो इसमें जो एमआरपी मेंशन है 999, बट आई थिंक ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल आई थिंक 170-180 समथिंग का मिल गया था. तो इसमें जो भी वर्क किया हुआ है गोल्डन थ्रेड से, पूरा यू नो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है. फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, टू माय सरप्राइज वेरी गुड क्वालिटी एंड इट इज वेरी वेल गोइंग विद द आउटफिट. सो यस, ये सब मैंने लिया था फ्रॉम अमेज़न. नाउ लेट्स बिगिन विद द ट्राई ऑन पार्ट. था मेरा ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन का आउटफिट जी, तो ये ओवरऑल काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा. काफी सिंपल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत यू नो झिंगझांग है, ये बहुत फ्लैशी है. काफी सिंपल है, एलिगेंट है, कंफर्टेबल है. एंड आजकल के टाइम पे नो कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हॉट टेम्परेचर है, इस टाइम पे इसी टाइप के जो आउटफिट्स या एक्सेसरीज होती है मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है. सो यस, विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर. अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. आई रियली होप यू लाइक इट एंड फाउंड इट यूजफुल. इफ यस, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो subscribe to my channel if you haven't done yet. Thank you so much for watching this and I will see you next time. Till then, bye and take care of your health.